Former BJP Minister Rajendra Rathore says it's a conspiracy to create a political encounter. Rathore saying he is not a convict as they haven't found any evidence under the CRPC. नहीं, मेरा नाम अभी तक अभियुक्त के रूप में नहीं. उन्होंने लिखा है कि सीआरपीसी के 173(8) के अंदर मेरे विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिले अभी उनको, इसलिए अभियुक्त की श्रेणी में मैं नहीं हूं. पर मैं उन्होंने कहा और अनुसंधान की आवश्यकता है और मैं उन सीबीआई का सहयोग करने के लिए तैयार हूं. ये पॉलिटिकल इनकाउंटर करने की साजिश है. सत्तारूढ़ दल में बैठे लोग और शराब माफियों का गठजोड़ पॉलिटिकल इनकाउंटर करना चाहता है. मैं सीबीआई को मदद करने के लिए भी तैयार हूं और मैं समझता हूं कि इसमें मैं अगर साफ बिल्कुल हूं, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं, ना कोई जानकारी. ये अपने घोषणा पत्र को सही साबित करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है. मुझे आज से लगभग 3 महीने पहले एक बार बुलाया, उसके बाद इन पिछले 3 महीनों में मुझसे कोई पूछताछ नहीं. उन्होंने मुझसे घटना की जानकारी मांगी थी, चूंकि मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी जो जो सवाल उन्होंने किया, जो मेरी जानकारी में थे, मैंने सारे सवालों का जवाब दिया था. दोबारा बुलाया जाए मैं जाऊंगा. मेरे से पूछताछ दिल्ली में हुई थी लगभग 3-3.5 महीने पहले. कितनी बार बुलाया गया? मुझे सिर्फ एक बार बुलाया गया. क्या-क्या मुझसे जानना चाह रहे थे कि ये जो इनकाउंटर हुआ उस अपराधी से मेरा कोई कयावत थी, मेरा क्या संबंध था जो मैंने मना किया. मेरी जानकारी में उस व्यक्ति का नाम ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था, इसलिए जहां वो जो मुझे कहना था मैंने कह दिया था. नहीं, मैं ये कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है. ये कोई कांग्रेस हलकों से मुझे समर्थन की कोई आवश्यकता भी नहीं है. सांच को आंच नहीं है, मैं बिल्कुल सच्चाई पर अपनी बात कह रहा हूं.